हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही। जी हां दोस्तों, जो बीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिन्होंने प्री बीएड 2022 का एग्ज़ाम दिया है, जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तों, तो प्री बीएड के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है शुरू होने वाला दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, SCERT द्वारा जो प्री बीएड हुआ था उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। अब ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया, कॉलेज आवंटन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2022 की सूचना के संदर्भ में यह जो विज्ञापन है प्रकाशित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2022-23 में प्रवेश के लिए इच्छुक जो प्री बीएड परीक्षा 2022 में शामिल हुए, छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006 के अनुसार दोस्तों, जिन्होंने बीएड के लिए आवेदन किया था, प्री बीएड के लिए आवेदन किया था, उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, उनके लिए जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है दोस्तों, उसके लिए जो डेट है जारी कर दिया गया है। देखिए, ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम बीएड और डीएलएड दोनों के लिए जो डेट है जारी कर दिया गया है दोस्तों। यदि आप भी बीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं तो पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने की जो तिथि है 29 जुलाई 2022 से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई से 7 अगस्त तक आप बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन जो विकल्प फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद और अब यदि आप डीएड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आप डीएड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म। उसके बाद प्रथम चरण के लिए दावा आपत्ति दोस्तों आपका 12 अगस्त को जारी किया जाएगा। 12 से 16 अगस्त तक आप दावा आपत्ति कर सकेंगे। प्रथम चरण की प्रथम सूची का जो प्रकाशन है 16 अगस्त को होगा दोस्तों। उसके बाद आवंटित संस्था में एडमिशन लेने के लिए आपको 18 से 25 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी 26 अगस्त को मिलेगी। फिर द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी दोस्तों, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक द्वितीय चरण की प्रक्रिया चलेंगी दोस्तों। इस प्रकार से बारी बारी द्वितीय तृतीय चरण की जो प्रक्रियाएं हैं चलेंगी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर द्वारा SCERT द्वारा जो है बीएड और डीएलएड दोनों के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उनका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जो बीएड की पढ़ाई करना चाहते थे काफ़ी लंबे समय से, जो इसके जो डेट है दोस्तों, ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया के संदर्भ में विकल्प फॉर्म भरने की जो डेट है उसके इंतजार कर रहे थे, अब उनकी इंतजार की जो खड़ी है दोस्तों ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि प्री बीएड के लिए और डीएड के लिए कॉलेज में एडमिशन के पहले जो ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया होती है उनका जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।